एक सवाल कि जो प्रस्ताव जो प्रपोजल हम लोग दे रहे हैं कि देश के सभी वोटरों को सरकार कुछ कैश रकम मंथली दे और उनके पर्सनल अकाउंट दे, यह रकम देने की परंपरा इस तरह की बात दुनिया के किन किन देशों में, इस बारे में सन 2003 में डेमोग्रेंट एक्ट के नाम से ब्राजील ने एक कानून बनाया दुनिया में सबसे पहले। डेमोग्रेंट, डेमो मतलब पब्लिक, ग्रेंट मतलब ग्रांट, पब्लिक का ग्रांट। उन्होंने वोटरशिप शब्द इस्तेमाल नहीं किया। 2003 में लूला डी सिल्वा वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इलेक्शन में मुद्दा बनाया कि मेरी पार्टी को अगर पावर मिलती है तो मैं देश के हर आदमी का बैंक में खाता खोल के पैसा भेजना शुरू करूं। ये बड़ा बोल्ड एक्शन था और ब्राजील में यह माना गया कि ब्राजील बहुत बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का, इंडिया से बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा ही छोटा है। लेकिन लूला डी सिल्वा ने इसको संभव कर दिखाया। 2005 में वहां सभी लोगों को पैसा मिल रहा है और जब मंदी आई रिसेशन वर्ल्ड में तो पूरी दुनिया मंदी का शिकार हुई और ब्राजील नहीं हुआ, ब्राजील बच गया क्योंकि वहां का पैसा पब्लिक के पास था, वहां की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर गिरी नहीं, सामान बिकता रहा, मार्केट फ्लरिश रही और ये न्यूज कहीं भी छापी नहीं गई, इंडिया में इसे पब्लिसिटी नहीं मिली। दूसरी बात, अलास्का एक छोटा सा देश है, नामीबिया अफ्रीका का एक बहुत गरीब देश है और अब फिनलैंड, फिनलैंड में 58,000 इंडियन करेंसी एवरी मंथ लोगों के पास जा रही, 58 नहीं, हम लोग तो 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं छोटी से रकम, क्योंकि इंडिया फिनलैंड जैसा अमीर देश नहीं है। तो इतने देशों में चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना इस पर जल्दी ही एक्शन लेने वाला है। चाइना सरकार अपने सभी नागरिकों को एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट लोगों को देने के लिए प्रोजेक्ट बना चुकी है। ये जानकारी उन्होंने कनाडा के ओटावा शहर में एक इंटरनेशनल स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में दिया। बड़ा कंट्री है तो थोड़ा टाइम लगेगा। वोटरशिप ये तो रहा किन किन देशों में है, आपने एक सवाल पूछा कि वोटरशिप का कंसेप्ट क्या, मतलब क्या है। पहले मैं शब्दों से बता दूं, स्कॉलरशिप एक शब्द है, स्कूल के बच्चों को सरकार पैसा दे तो कहते हैं स्कॉलरशिप। अगर सरकार वोटरों को पैसा देने लगे तो दुनिया में कोई शब्द था नहीं, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, स्कॉलरशिप वाला शिप और वोटर वाला वोटर, तो वोटरशिप बना दिया। ये कॉइन शब्द है, ये डिक्शनरी नहीं था, अब है। आप गूगल पे सर्च करिए, जब हम 2004 में सर्च करते थे तो वोटरशिप आता था रॉन्ग वर्ड, लेकिन अब आप सर्च करेंगे तो अमेरिकन इलेक्शन कमीशन, रिपब्लिक ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दुनिया के लाखों पेज वोटरशिप पर है। 2004 से आज 18 है, 14 सालों में ये वर्ड बहुत लोकप्रियता हासिल किया है। अब कंसेप्ट का दूसरा पहलू, ये तो था शब्द, अर्थ क्या? अर्थ ये है कि 1994 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ था, शायद आप सब लोग जानते होंगे, उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, हिंदी में था व्यापार और तटकर पर सामान्य समझौता, जिसको डंकल एग्रीमेंट के नाम से बड़ा प्रसिद्धि मीडिया में मिली और पूरी इंडिया की मीडिया ने मिलके डंकल गेट का विरोध किया, मीडिया एक मत थी और पूरे 4 साल तक मीडिया ने विरोध किया था, इसमें वाद नहीं था, हर विचार की मीडिया वाले एक साथ थे,
पूरे देश के पत्रकारों ने विरोध किया था कि अगर ट्रीटी होगी, डंकन एग्रीमेंट पर इंडिया गवर्नमेंट साइन कर देती है, तो इंडिया से कोई सामान बिना टैक्स के बाहर जाएगा और बाहर के कोई सामान बिना टैक्स के इंडिया में आएगा, यानी बाउंड्री टूट जाएगी। अगर बाउंड्री टूटी तो जर्नलिस्ट पूरे देश भर के मीडिया के लोगों ने, कॉलमनिस्ट ने आवाज उठाई थी कि दुनिया के दूसरे देशों में मशीन से प्रोडक्शन होता है तो हमारे देश में भी मशीन से प्रोडक्शन जरूरी हो जाएगा, कंपटीशन वही हुआ। अब अगर चीन में कोई कलम रोबोट से बन रही है तो इंडिया में वो आदमी से कैसे बनेगी? हर कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर चला गया, दूसरे देश में मशीन से काम हो रहा है, कलम बढ़िया होती है, कम पैसे में पैदा होती है, इस कंपटीशन में इंडिया में भी मशीनें लगी, ऑटोमेशन हुआ, लोग बेरोजगार हो गए। अब जो नेता, जो पार्टी वाले ये कहते हैं कि साहब हमारी पार्टी आएगी तो हम रोजगार देंगे, ये सरासर झूठ है। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जब तक दुनिया के 190 देश एग्री नहीं करेंगे तब तक मशीन हटेगी नहीं, और जब मशीन नहीं हटेगी तो हमने एक प्रपोजल दिया कि भाई मशीन के परिश्रम का धन, मशीन काम करने दो, मशीन के परिश्रम के धन को सरकार टैक्स से इकट्ठा करे और वोटर के अकाउंट तक ट्रांसफर करे, इससे मशीन काम करेगी, उत्पादन होगा और मशीन की आमदनी, मशीन की इनकम जनता में बट जाएगी, सबके पास पैसा होगा, ब्रेन काम करेगा, ब्रेन फर्टाइल रहेगा, प्रोडक्टिव होगा, कंट्री का नुकसान नहीं होगा। और अगर हम सोचें कि हम सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल थ्योरेटिकली, जो चीज सिद्धांत में संभव नहीं है वो व्यवहार में तो संभव हो नहीं सकती। कई बार तो जो चीजें सिद्धांत में संभव होती हैं वो भी व्यवहार में संभव नहीं होती। हमने कहा मशीन का पैसा बांटा जाए। दूसरी, देश में कोयला, लोहा, अभ्रक, लकड़ी, नेचुरल रिसोर्सेस के नाम पर हर महीना खरबों रुपया प्रिंट होता है, ये पैसा किसका है? जंगल में मछली आई, पानी में मछली आई, जंगल में लकड़ी आई, उस लकड़ी के नाम पर नोट छपी, वो पैसा कहां जाना चाहिए? उस पर तो ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि हम ज्यादा टैलेंटेड हैं तो भैरव गांधी को मिलना चाहिए। नेचर की लकड़ी, पानी की मछली तो सबकी थी, उस पर नोट छापी तो सबको बटना चाहिए था, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। नेचुरल रिसोर्सेस का लिक्विड मनी बटनी चाहिए। तीसरी बात, लाभ, कानून की मौजूदगी के कारण भी बहुत लोगों की इनकम है, जैसे उत्तराधिकार कानून, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर उत्तराधिकार कानून ना होता, पिता की संपत्ति बच्चों को मिलेगी यह कानून है, ये कानून ना होता तो धीरू भाई की प्रॉपर्टी 1.5 लाख करोड़ की अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को न मिलती। ये दैट इज ड्यू टू लॉ। तो पैसे के कारण कितना इनकम है, जीडीपी है, वो भी वोटर के पास जाना चाहिए। क्यों? कानून का मालिक, कानून का जन्मदाता वोटर। तो वोटरशिप के कंसेप्ट में तीन बात है, मशीन का मेहनत का पैसा, नेचुरल रिसोर्सेस का शेयर, और तीसरा चीज ला का शेयर। बस पार्टी इंटरनेशनल जो अभी आसाम में एक नई पार्टी आई है और उसका बड़ा जन समर्थन पैदा हो गया है, उसका स्थापना दिवस भी 17 नवंबर को ही होता है, तो हम उसको पहले दिल्ली में मनाते थे। इस वर्ष आसाम के लोगों ने मांग किया कि साहब इस साल का कार्यक्रम दिल्ली में नहीं, आसाम में होना चाहिए। तो गुवाहाटी में कोई जगह नहीं मिली इतनी बड़ी, क्योंकि उसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, तो हमें रंगिया में एक जगह मिली है और उसमें हम लोग दो इशू उठाने वाले हैं। इस बार का जो थीम है वो ये है कि देश में
मशीनों के परिश्रम से, प्राकृतिक साधनों से और कानून की मौजूदगी से जो भी पैसा पैदा हो रहा है वो वोटरों तक बांटने का कानून बने, इसको हम लोग वोटर के कानून कहते हैं। तो एक तो अगर ये कानून बने तो आसाम के हर वोटर को 6,000 रुपये महीना मिल सकता है, परिवार में 5 वोटर हैं तो 30,000 महीना मिल सकता है। आसाम में पैसा आएगा तो लोगों का गुस्सा खत्म हो जाएगा, और जब गुस्सा खत्म हो जाता है तो लोग प्रेम करते हैं, बंदूक फेंक देंगे, और अगर बंदूक फेंक देंगे तो बम्बई का उद्योग आसाम में आ पड़ेगा, आसाम में चौतरफा समृद्धि होगी। एक दूसरा मसला भी है कि निर्यात के लिए गरीबी बना के रखना जरूरी है, सरकार ऐसा कहती है, तो हमने उसके लिए ये कहा है कि यूरोप के 27 देशों ने मिल के एक यूनियन बना लिया, तो भाई भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे मिलकर के, चीन को भी हम तो उसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं, हम लोग भी एक यूनियन बना ले। अरे वो 27 देश एक हो गए, हम 10 तो हों, हम 15 देश तो एक हो जाए। अब अगर ऐसा हुआ तो हमें एक्सपोर्ट के लिए अपने देश में गरीब बना के रखने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, हम मिलके एक यूनियन बनाएंगे, एक सिटीजनशिप कानून बनाएंगे, एक नोट बनाएंगे, एक सेना बनाएंगे, और अब जो सेना से बचा पैसा है वोटरों के खाते में भेजेंगे, यानी फिर 6,000 नहीं, फिर 10-11,000 रुपया एक वोटर के पास आ पाएगा। यानी नफरत के दिन खत्म करना चाहते हैं, प्रेम की राजनीति शुरू करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। ठीक है।